जन्म सुधारो डॉक्टर संत देव संविधान पूज्य संत चरण प्रभु प्रेमी सज्जनों माता पिता बहन बड़े सौभाग्य का विषय है। बहुत समय से आप लोगों की इच्छा थी कि जोधपुर में संत देवी संविधान का एक स्थायी निवास बने, एक आश्रम बने,
और इस आश्रम के माध्यम से अपने सेवकगण और संपूर्ण जोधपुर की जनता को प्रेरणा दे सके, उनकी सेवा कर सके, उनका मार्ग प्रशस्त कर सके, इस दृष्टि से इस आश्रम का निर्माण किया गया। इसमें आप सब लोगों का विशेष सहयोग रहा और तदनंतर इसके लोकार्पण का कार्यक्रम निश्चित किया गया। लोकार्पण में भी आपने एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का एक विशेष आयोजन। हम सब जानते हैं कि संसार का पार करने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, और एक बार भागवत हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो फिर हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। श्रीमद् भागवत का अर्थ होता है भगवान की चरित्र, भगवान के अवतार, भगवान के भक्त, ये सब चीज हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाए और निरंतर सम प्रेरणा लेते रहे तो हम हमारा परिवार और हमारा समाज निश्चित उद्धार कर प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन भी रखा गया। इसके साथ साथ जो दुर्लभ ऐसा प्रसंग है खास करके जोधपुर के लिए कि दो महापुरुष नगर में आने वाले पूज्य स्वामी गुरुशान जी महाराज तो यहाँ पर कई बार आए हैं, लेकिन एक तपस्वी बाबा कल्याण दास जी है वो संभवतः जोधपुर कभी नहीं आए। उनका देश विदेश में भ्रमण होता रहा है और समाज कल्याण के लिए उन्होंने इतना अथक परिश्रम करके कार्य किया है, बड़े बड़े विद्यालय बनाए, अस्पताल बनाए, बड़े आश्रम बनाए और स्वास्थ्य केंद्र के लिए अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी प्रारंभ की और अत्यंत गरीब परिवार के जो आदिवासी लोग हैं उसके बच्चों को पढ़ाने का एक प्रकार से उन्होंने पर लिया है। ऐसे वो महापुरुष यहाँ जोधपुर की सूर्य नगरी में पधारने वाले स्वामी गुरुशरण जी महाराज को लगभग सब जानते हैं जोधपुरवासी। वे एक अंतर्राष्ट्रीय संत है और अत्यंत साधु वृत्ति से संत वृत्ति से समाज में अपने आप का धर्म प्रचार करते हैं और अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान है, उच्च कोटि के साधु है, सारे संत उनको सम्मान मान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे महामहापुरुष आने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह के विषय में जो इस समय व्यास शासन है उसका अधिक परिचय देने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि लगभग आप सब लोग उनको भली भांति जानते हैं, वर्षों वर्षों से आपके मध्य में तपस्वी में रहा है, साधना में रहा है, निरंतर बचपन से साधना करते करते श्रीमद् भागवत का आराधन करते करते अभी तक यहाँ तक पहुँचे। इसके साथ समाज सेवा में भी उनकी रुचि इस समय प्रखर अत्यंत तीव्रता से इसके अंदर कार्य कर रही है। स्कूल का संचालन, डिस्पेंसरी का संचालन, अलग अलग प्रकार की शिक्षा संस्थान का आयोजन, इस प्रकार से निरंतर करते कार्य कर रही है। गरीब कन्याओं के विवाह लगभग वर्ष में कई बार दिल्ली के अंदर करवाए जाते हैं, तो इस प्रकार के कार्य का आयोजन से करती रहती है और विशुद्ध रूप से संत वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ऐसे संत देवी संविधान आपके मध्य में व्यास पीठासीन। मैं आप सब लोगों से विशेष आग्रह करता हूं जिस प्रकार से आप लोगों ने परिश्रम पूर्वक आश्रम का निर्माण किया, जिस प्रकार से परिश्रम पूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें आपका धन भी लगा है,
आपकी शक्ति भी लगी है, आपका समय भी लगा है, इसका भी मूल्य ये तब सार्थक होती है जब अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हम सब का उत्तरदायित्व बन जाता है कि हमने जो श्रम किया है उस श्रम का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। माता पिता परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके अपना एक व्यवहारिक जीवन स्थापित करते हैं, एक वैभव स्थापित करते हैं, एक प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। इन सारी की सारी सारे के सारे परिश्रम का मूल केंद्र होता है अपनी संतान। जिस प्रकार से ये सारा परिश्रम अपनी संतान के लिए करते हैं और संतान इसका ठीक ठीक उपयोग करते लाभ उठाते हैं तो माता पिता का जीवन धन्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने इस परिश्रम को अत्यंत सफल बनाना चाहते हैं तो प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का लाभ उठावें। आपने सब प्रकार की व्यवस्था की है, इनके आने जाने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की है। कभी कभी इतना है कि अधिक से अधिक लोगों तक अपना संदेश पहुंचे, इसीलिए मैं आप लोगों को विशेष आग्रह करता हूं कि आप अपना पुण्य कार्य है इसको सफल करें। मैं अधिक न कहते हुए संत देवी संविधान का यद्यपि स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी व्यास पीठा संत आसन है, भगवान से प्रार्थना करते हम सब के निर्विघ्नता से सकुशल श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन संपन्न हो ऐसे हम सब शुभकामना करते हैं। इन्हीं सबों के साथ आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। ध्यानमूलं गुरुरोति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। वसुदेव सुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीचंद्रदेवं शिवमागति स्मावलितं शिशुप्रवरं पद्मासनस्थं सुखदं मनिन्द्रं पाकाय चित्ते सततं हरे। ॐ श्री परमात्मने बोले सच्चिदानंद भगवान की प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार।
प्रथम निमंत्रण आप गजानंद सरकार प्रथम निमंत्रण आप को गजानंद सरकार प्रथम निमंत्रण आप को गजानंद सरकार से पहले होती तेरी पूजा सब देवों सबसे पहले होती तेरी पूजा गणपति होती तेरी पूजा सब देवों में सबसे पहले होती तेरी पूजा सब देवों सबसे पहले होती तेरी पूजा गजानंद होती तेरी पूजा तीन लोक में भी है देखा देव नहीं कोई तुम सा तीन लोक में भी है देखा देव नहीं तुम जैसा तीन लोक में भी है देखा देव नहीं कोई तुम सा तीन लोक देवों में देखा देव नहीं है गणपति देव नहीं कोई तुम सा देव नहीं है यम कुबेर दिग पालों ने
बोलिए वांके बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए भारत के संतों की जय। आइए श्रीमद् भागवत में सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। मैं इसमें केवल निमित्त मात्र हूं, ना कथा करना जानती हूं, ना मुझे कुछ आता है। अभी गुरुजी जो कह रहे थे ये सब उनकी कृपा से हो रहा, मेरे में सामर्थ्य नहीं, शरीर में सामर्थ्य नहीं, मेरे अभिमान में सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी हो रहा है तो दो ही कारणों से हो रहा है, एक गुरु कृपा और भगवान की कृपा। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते।
और गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। भगवान बंसी बजाते हुए आएंगे, धनुष बाण लेके आएंगे, ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे विश्व में भगवान जब समाहित दिखता है तो फिर जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। विश्व जितना कुछ करे, जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है, वो सब उस परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हमें जो दिखाई देता है उसको हम देखना नहीं चाहते, और जो हमें दिखाई नहीं देता उसके लिए भाग रहे हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान बिल्कुल जीव के निकट है, फिर भी जीव उसको देख नहीं पाता। कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, पर बिन भगवान की कृपा से नहीं। भगवान जैसा जब जो दिशा देते हैं, जो नाच नचाते हैं, हम लोगों को नाचना पड़ता है, पर ये भगवान की बड़ी कृपा है, जो नाच नचा रहे हैं वो अच्छा है। जगत के लिए, अपने अहंकार के लिए भी नाचते हैं और भगवान के लिए भी नाचते हैं, दोनों के नाचने नाचने में अंतर है। एक दिखावा है, एक असलियत है। तो पहले तो गुरु की कृपा के बिना मैं कुछ कर नहीं सकती। आज मैं जहां तक पहुंची हूं, ये सब विराजमान जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं, वो गुरु जी की कृपा है। मैं तो केवल इनकी शरण में आई थी, बहुत छोटी थी, मुश्किल से 16-17 साल की ऐसे होंगी। गुरु जी ने मुझे दिशा दी, सब दिखाया। तो इसलिए गुरु की कृपा, गुरु कृपा तेरी बनी रहे, गुरु कृपा तेरी, गुरु कृपा तेरी बनी रहे, गुरु कृपा तेरी बनी रहे, गुरु कृपा तेरी बनी रहे। ये जीवन चाहे रहे ना रहे, ये जीवन चाहे रहे न रहे, ये जीवन चाहे रहे न रहे, ये जीवन चाहे रहे न रहे, गुरु कृपा, गुरु कृपा तेरी बनी रहे, गुरु कृपा तेरी बनी रहे, गुरु बनी रहे। बड़े से बड़े संघर्ष, बड़े से बड़े नदियां, बड़े से बड़े समुद्र जीव पार कर जाता है, उन्हीं की कृपा से मैं आज यहां बैठ करके आप लोगों के साथ भगवत चर्चा करने जा रही हूं।